الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. وقال في موضع آخر: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحكمة الكلمة الحكمة ضالة المؤمن، حيثما وجدها فهو أحق بها. رواه الترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكلمة الحكمة ضالة الحكيم، فحيث وجدها فهو أحق بها. رواه الترمذي وابن ماجه. जब इश्क सिखाता है आदाब खुद आगाही, तो खुलते हैं गुलामों पर असरार शहनशाही। अत्तार हो रूमी हो राजी हो गजाली, कुछ हाथ नहीं आता बे आह सिहरगाही। ए ताइर लाहूती उस रिज्क से मौत अच्छी, जिस रिज्क से आती हो परवाज में कोताही। हजरात मुहतरम, कल एक बहुत ही अहम मैसेज मेरे पास आया। मैंने कुछ उलमाए कराम के पास उसको भेजा मशवरा के लिए। उस मैसेज का ताल्लुक था दुख्तराने इस्लाम के इर्तिदाद से। इर्तिदाद के बहुत से असबाब में से जो एक बहुत अहम सबब है, उसका तालीम व ताल्लुम के एक वास्ते थे। वैसे कुछ हफ्ता पहले हमारे कुछ अखबार ने कहा था कि नशा के ताल्लुक से जवानों के ताल्लुक से बात कीजिए, इनके ताल्लुक से बात कीजिए, जवानों को मारिए। तो दो तीन जमात से मैं उसी ताल्लुक से बात भी कर रहा था, इतफाक से मैसेज भी आ रहा है। कभी दुख्तरान इस्लाम के इर्तिदाद के ताल्लुक से तो बात नहीं करूँगा, लेकिन बात का जो सिलसिला जारी होगा तो उसमें वो तमाम असबाब व आमिल आगे आ जाएंगे कि क्या असबाब और आमिल हैं कि मिल्लत की इतनी अजीम और कीमती बेटियां दूसरों की गोद में जा रही हैं। तो मैंने आप हजरात के कान में बात डाल दी कि कितने हालात कितने खराब हैं। बहुत से असबाब में से तालीम व ताल्लुक में एक वास्ते से है, बता रहा हूँ मैं, ध्यान रखिएगा। इसलिए कह दिया था कि आइंदा हम लोग गौर से सुने बात को और खुद भी फिक्र रखें। जहाँ तक इल्म की बात है, उसको आप थोड़ा ऊपर से लेंगे। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में दस्त सवाल दराज करते हुए कहते थे: अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका अल-हुदा वत्तुका वल-अफाफ वल-गिना। ऐ बार इलाहा, मैं तुझसे हुदा हिदायत मांगता हूँ। जो सराफा हिदायत है वो भी अल्लाह से तलबगार है, ध्यान रखना। बाद दफ़ा हम पंच वक्त नमाजी बन जाते हैं तो अपने आप को पता नहीं क्या समझने लगते हैं।
और आगे का कलमा वक्त तुका, तकवा और परहेजगारी, जो अफजलुल बशर ही नहीं है, अफजलुल अंबिया है। ला यमकिनु सनाउ कमा कान हक्कहु बादल खुदा बुजुर्ग की किस्सा मुख्तसर, जिसके हाथों से कौशल उठाया गया, जिसके दामन में जन्नत बसाई गई, वो क्या कहता है, मैं तकवा और परहेजगारी का तलबगार हूं बार इला। और तीसरा कलमा वल अफाफ, अफाफ क्या है, पाक दामनी पाकीजगी तहारत, पाक दामनी पाकीजगी तहारत में वो बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। निगाहों का नीचे रखना, रूह का पाकीजा होना, हलाल लुकमा खाना, अच्छे लोगों की सोहबत इख्तियार करना, बहुत इसमें अफाक में इतनी वसअत है कि खाली एक जुमा इसी के लिए चाहिए। और जो चौथी चीज है, आपने जो अल्लाह के सामने जैसे सवाल दराज की, मैं उसके ताल्लुक से बात करना चाहता हूँ। क्या था, वल गीना, गिना के ताल्लुक से बात करने चाहता हूँ, गिना अरे बारह मैं गिना चाहता हूँ। गिना क्या है, अल्लाह तो मुझे दूसरों से बेनियाज कर दे, खाली अपने घर का सवाल ही ना, यानी कि मैं खुद कफील हो जाऊं, खुद मुक्तफी हो जाऊं, आत्मनिर्भर हो जाऊं। तो बस दुआ में इतने जामे कलिमात हैं, अगर हम उसको पकड़ लें और उसका माना मफहूम समझ करके अपनाने की कोशिश करें, तो हमारी दुनिया भी बन जाएगी, आखिरत भी बन जाएगी। तो बिना मतलब क्या है, खुद कफील होना, खुद मुक्तफी होना, आत्मनिर्भर होना। अब हालात आप जानते हैं, हालात के ताल्लुक से कुछ कहना मैं समझता हूं फजूल है, बच्चा बच्चा जानता है हालात कैसे। उम्मते मुस्लिमा हिंदिया माशी एतबार से कहां खड़ी है, अखलाकी एतबार से कहां खड़ी है, लोगों को निगाहों के एतबार से कहां खड़ी है, और खुद अपने किरदार के एतबार से अपने आप को कहां समझती है, और तालीमी एतबार से कहां खड़ी है। जो गिना है बहुत गुस्सा किसमें है, मैं खाली इल्म को के ताल्लुक से बात करना चाहता हूं। इस जो इतने गुस्ताखेज हालात हैं और बहुत ही पुराशोभ हैं, बहुत ही खराब हालात हैं, इन तमाम हालात में, ऐसे माहौल में नस्ल इंसानी में से कोई अगर ये चाहे कि हालात कैसे भी हो और हमारी चीज हमारे पास महफूज रहे, तो इल्म के अलावा तुम्हारी डिग्री के अलावा कोई ऐसी चीज नहीं जो महफूज रह सके। आप मुख्तलिफ इलाकों के, खित्तों के, मुल्कों के हालात पढ़िए, कैसे कैसे करोड़ों ज़कात निकालने वाले मुख्तलिफ हफ्तों की महंगी महंगी गाड़ियों के मालिक ठेला ढकलने पर मजबूर हो गए, और कुछ लोगों ने दूसरे मुल्कों का रुख किया। जिन लोगों ने दूसरे मुल्कों का रुख किया, अगर उनके पास डिग्री थी, इल्म था, तालीम थी, वहां पहुंच करके उनको अच्छी जा मिल गई, इज्जत वकार की जिंदगी जीने लगे, तो इल्म एक ऐसा सरमाया है, इल्म एक ऐसा सरमाया है कि हालात कितने भी पुराशोभ हो, कितने भी खराब हो, और आदमी कहीं भी पहुंच जाए,
अपने इल्म की बदौलत इज्जत वकार हासिल कर सकता है, इज्जत की रोजी कमा सकता है। मैंने बहुत पहले कहा था, हमारे भाई जो मालो दौलत के बहुत से पुजारी होते हैं, मैं पुजारी इसलिए बोला कि बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूं, लेकिन उनके पास करोड़ों के हिसाब से पैसा था तो बहुत खर्चा करते थे, और जब अरबों के हिसाब से आ गया या जब लाखों के हिसाब से था तो बहुत खर्चा करते थे। इशारा कर दो कोई बात नहीं, बड़ा भेज दीजिए, लेकिन जब करोड़ों के हिसाब से हो गया तो जहां 10 खर्चा कर देगा 5 भी नहीं खर्चा करते हैं, पर वो खर्चा करके छुट्टी कर देते हैं, क्योंकि उम्र बढ़ रही है, उम्र तो जा रही है, आगे ना जन्नत की मंजिल करीब आ रही है। मैंने बहुत पहले बताया था कि हमारे नौजवानों को खास तौर से तुम पढ़ो बेगमात के आंसू, वो राजे और रजवाड़े, वो शहजादे और शहजादियां जिन्होंने कभी तमाशे के आफ्ताब यानी धूप नहीं देखी थी बाहर निकल करके, लेकिन जब जब काया पलट हो गई, बाद शहजादियों को गैरों के घरों में गोबर पाथते हुए देखा गया है, और उन्होंने अपनी जिंदगी खुद बताई। गोबर पाथने का ओपला बनाना क्यों, तालीम नहीं थी, इल्म नहीं था, रोजगार के मुनासिब जराए नहीं थे उनके पास, और बाद शहजादों को दिल्ली की चांदनी चौक पर गले में थैला लटकाए हुए मांगते देखा गया है, जो मुंडी ऊपर नहीं उठाते थे क्यों, शर्म के मारे, तालीम नहीं, इल्म नहीं था, कोई डिग्री नहीं थी, कोई फन नहीं था, कोई हुनर नहीं था। तो इल्म एक ऐसा सा भी माजी करीब के बाद हमने पढ़ा था, लबनान का कोई मनिस्टर था या लेबिया का झारखंड कजाकी का भाई लोग वहां कमाते आ रहे, उसे हालात देखे खराब हो रही है, बहुत पढ़ा लिखता था, फट से निकल गया बाहर जाके जॉब पकड़ लिया। जब मिनिस्टर रहा होगा तो आगे पीछे गाड़ियां रही होंगी, हड्डों बच्चों की सजा रही होगी, हसम व खतम रहे होंगे, एक इशारे पे सैकड़ों लोग दौड़ने वाले रहे होंगे, लेकिन वो उसने वहां रह करके जिल्लत की मौत मरना बर्दाश्त नहीं किया, बाहर निकल गया। तालीम थी, डिग्री थी, अखलाक और किरदार का पाकीजा था, उसको जान मिल गई फटाफट। तो इल्म एक ऐसा सरमाया है जो हर हाल में और तमाम हालात में आपका साथ देने वाला है, और आपकी नस्लों को भी बनाने वाला है। अब जो है इल्म के ताल्लुक से बहुत सी बातें सामने आती हैं। इल्म किसे कहेंगे? अल्लाह रसूल ने फरमाया तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम, इसका क्या मतलब है? आपने जो है आप फजर के बाद जब दुआ करते थे अल्लाह ने रसूल का इल्मन नाफिया व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला, और आपने इरशाद फरमाया सअलुल्लाह इल्मन नाफिया व तअव्वज़ु बिल्लाह मिन इल्मिन ला यन्फा, और मुस्लिम की रिवायत है आप दुआ करते थे अल्लाह ने आउज़ बिका मिन इल्मिन ला यन्फा। इन तीनों आयतों से मालूम पड़ता है कि इल्म जो है इल्म है, एक इल्म नाफे है, एक इल्म गैर नाफे है। इल्म नाफे से मुराद क्या है? वो इल्म जो कि नफा बख्श हो, फायदा पहुंचाने वाला हो, नस्ल इंसानी को फायदा पहुंचाने वाला हो, हैवानों को फायदा पहुंचाने वाला हो, जमादात और नबादात को फायदा पहुंचाने वाला हो। और इल्म गैर नाफे भी है, इसलिए हमने क्या अल्लाह ने उसमें कहा मैं इल्म ला अनफा वाले रहा, मैं इस इल्म से पनाह मांगता हूं जो नफा बख्श ना हो। अब जो है इल्म नाफे अब इसकी दो शक्लें हैं, एक तो दीनी उलूम है, मैं उसके ताल्लुक से बात नहीं करूंगा,
तुम मुसलमान हो, मुस्लिम घर में पैदा हुए हो, अगर तुमको जनाजा पढ़ने की तरकीब नहीं आती है तो डूब मरो चुल्लू भर पानी में। तुम्हारी बहनों और बेटियों को ये नहीं मालूम है कि महीने में जो खून आता है उस टाइम नमाज पढ़ी जाएगी या नमाज माफ है, तो जाते कहीं खुदकुशी कर लो मुसलमान हो, तुम मुसलमान कहलाने के हकदार नहीं हो, मुसलमान कहलाने के हकदार नहीं हो। लोग बोलते जनाजे में नियत बता दो, नियत बताने वाला भी जाहिल है और नियत सुनने वाला भी जाहिल है। जनाजे की नमाज पढ़ाई जा रही है कोई मदरसा नहीं है, तुम जवान हो गए, बूढ़े हो गए, तुमको जनाजे की तरकीब नहीं मालूम है, इसका मतलब यह है कि तुम मरने से भी बेखबर हो, तुमको मौत की फिक्र नहीं है। तो एक हिस्सा तो है जिसका ताल्लुक शरई उलूम से है, जिसका जानना हलाल और हराम और उसके मवाजियात जो है नमाज रोजा तमाम मुसलमानों पर फर्ज है, ऐसे ही फर्ज है जैसे तुमको अपनी जिंदगी बचाने के लिए खाना खाना फर्ज है। अगर तुम कहीं मरने लगो और तुमको वहां कुछ मयस्सर ना हो खाने के लिए, कुछ मयस्सर हो, हराम मुर्दार पड़ा हो, अगर उसको नहीं खाओगे तो मर जाओगे, तो तुमको लाजिम है कि जान बचाने के लिए मुर्दार फर्ज। तो जिस तरह जान बचाना तुम्हारे लिए के लिए खाना जरूरी है, ऐसे तुम्हारे लिए जरूरी है अहकाम है वो अल्लाह शरीयत के अहकाम को जानना जो कि जिनका ताल्लुक तुम्हारे जिंदगी से है, नमाज रोजे से है, मसाल से है, हलाल हराम से है। दूसरा इल्म क्या है जिसको हम असली उलूम बोलते हैं, दुनियावी उलूम बोलते हैं, जदीद उलूम बोलते हैं, ये जो दूसरा हिस्सा है ये कहां तक और कितना हासिल करना जरूरी है, कहां तक और कितना हासिल करना जरूरी है, इसकी तफसील अगर मैं बयान करूं तो मेरे ख्याल से वक्त बहुत चला जाएगा। इमाम गजाली रहमतुल्लाह ने जो बयान किया वो मैं बयान पढ़कर सुना देता हूं, लंबी इबारत है, उस लंबी इबारत पढ़ूंगा तर्जमा करूंगा तो वक्त जाएगा। मैं हजरत लिखते हैं अम्मा फर्जु किफायत मिनहा, ये जो असली उलूम है जिनको हम जदीद और मॉडर्न इल्म कहते हैं, इसका हुसूल भी फर्ज किफाया है, इसका हुसूल फर्ज किफाया है। फर्ज किफाया का मतलब क्या है कि कुछ लोगों ने अगर हासिल कर लिया और कुछ लोगों के हासिल करने की वजह से पूरे शहर के इलाके के लोगों को फायदा पहुंच रहा है और काम नहीं रुक रहा है तो काफी है, तो काफी है। हजरत लिखते हैं कि तिब यानी मेडिकल, हजरत लिखते हैं ये मेडिकल है और ये हिसाब है और ये क्या, और ये यहाँ तक कि हजरत ने कहा कि हिजामा जो पुष्पों में लगाते हैं ना उसका इल्म भी जरूरी है, और हजरत ने बहुत सी चीजों को लिखा और हजरत ने बहुत सी सनातों और हिरफतों के बारे में लिखा, इसका भी कुछ लोगों का जानना जरूरी है। यानी अगर शहर में इतने लोग जान जाएं कि जिसकी वजह से पूरी आबादी के लोगों को राहत पहुंच जाए, उनका इलाज कर सके, उनका हिसाब किताब देख सके, उनके मामलात देख सके, उनके तरका मीराज को तकसीम करने के इतना के हिसाब जान सके, तो ये काफी है। यह है फर्ज किफाया, ये क्या है, फर्ज किफाया है। लेकिन मैं फर्ज किफाया के ताल्लुक से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद मुक्तफी होने की बात कर रहा हूँ। खुद मुक्तफी का मतलब क्या है, मैंने बताया अल्लाह का सुनो दुआ मांगी, जिना मांगी, क्या मांगी है, जिना, खुद मुक्तफी होना। खुद मुक्तफी तुम कब होगे, जब तुम खुद इल्म हासिल करोगे तब खुद मुक्तफी होगे। पूरी बस्ती में अल्लाह के जब एक डॉक्टर होगा सबका काम चल रहा है, लेकिन जब तुम खुद डॉक्टर होगे तब तुम्हारी जेब भरेगी, लोगों की खिदमत करोगे, किसी भी खिते इलाके में पहुंच करके तुम रोजी कमा सकते हो, हलाल रोजी कमा सकते हो। दो चार इंजीनियर हो गए, सिविल इंजीनियर हो गए, मकानात बन रहे, सबकी रहबरी कर रहे, काफी है, तो वो फायदा तुमको पहुंच रहा है, तुम्हारा घर बन रहा है, तुम्हारा बंगला बन रहा है, तुम्हारी बिल्डिंग बन रही है, लेकिन तुम्हारी जेब में पैसा नहीं आ रहा है। अगर कोई ऐसे हालात बन जाए कि तुम्हारी बिल्डिंग से भी दोष हो जाए, तुमको छोड़ के भागना पड़े, तो क्या
तो तुम्हारा जरूरी क्या है, तुम खुद जो है इंजीनियर बनने की कोशिश करो ताकि तुम कहीं भी जाओ, कैसे भी हालात आए तो रोजी हासिल करने में, इज्जत के साथ रोजी हासिल करने में कोई परेशानी पेश ना आए। अब आगे की बात मैं और अर्ज कर दूं, तो मैंने कहा था खुद मुक्तफी की बात कर रहा हूं मैं। खुद मुक्तफी कैसे बनोगे? जब इल्म हासिल करोगे तब खुद मुक्तफी बनोगे। आत्मनिर्भर बनोगे, दुनिया के किसी कोने में रहोगे तो इज्जत से रोजी कमा सकते हो, दीन इस्लाम पर बाकी रह सकते हो। अगर तुम्हारे पास इल्म नहीं रहेगा हालात बिगड़ जाएंगे, दूसरे लोग तुमको आबाद करेंगे, बसाएंगे, तो तुम्हारे मुंह में जो लुकमा डालेगा वो तुम्हारे रूह में भी अपना मजहब डालेगा, उसकी सबसे बड़ी मिसाल है जब फिलिस्तीन पर जालिमों का यहूदी खूनी शिकंजा कसा, वहां के बहुत से लोगों को बर्तानिया ने अपने यहां बसाया। अब जो मुसलमान कहां के थे, फिलिस्तीन के मुसलमान थे, वो सच्चे पक्के मोमिन थे। ध्यान रखो, तुमसे कहीं कई गुना ज्यादा उनका ईमान मजबूत था, लेकिन जब जाकर वहां आबाद हो गए, उनके मुंह में जब उनका लुकमा आने लगा, आज की बात यह है कि उनकी नस्लों के नामों में खाली अलिफ लाम बाकी रह गया है, बल्कि इस्लाम की कोई चीज नहीं बाकी रह गई। अगर इल्म होता खुद जॉब ओनर हो जाते, खुद कमाने लगते, दूसरों के रहमो करम पे ना होते, तो शायद की नस्लों में कि उनकी और उनकी नस्लों की हालत ना होती। तो खुद मुक्तफी कब बनोगे? जब इल्म का सफर तय करोगे। अब कभी कहीं नींद का रिजल्ट आया, मैं आगे कह दूंगा, खत्म हो रहा है, बहुत अहम बात कह जाता हूँ। कल नींद का रिजल्ट आया, हमारे बहुत से जानने वाले लड़कों ने इम्तिहान दिया, बहुत से अच्छे नंबर से कामयाब हुए, मैं मुबारकबाद देता हूँ। और बहुत से लड़के ऐसे हैं जिनका नंबर बहुत अच्छा आना चाहिए, कम आया। यह होता है वो सर बोलता है गिरते ही सह सवार ही गिरते हैं मैदान जंग में, वो तिहल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। अगर नंबर कम आया तो अफसोस की बात नहीं है, तुम सबक हासिल करो, तुम तारीख का मुताला करो। तुमने पढ़ा होगा एक अजीम बादशाह, एक अजीम सल्तनत का बानी, एक अजीम सल्तनत का बानी 15-16-17 साल की उम्र में मुकाबला करते करते कुछ लोग एक अजीम मुल्क की तरफ उसको बुलाते हैं, और जब वो वहां पहुंचता है तो बुलाने वालों में से कुछ लोग हमला करना चाहते हैं। सामने 3-4 लाख की फौज होती है, इसकी 1.25 लाख की फौज होती है, इसकी फौज में बुजदिली छा जाती है, और फौज इसका जो अमला होता है, बड़े लोग होते हैं, राय फरार इख्तियार करने की कोशिश करते हैं, तो क्या बोलता है? सुनो मुसलमानों और हमारे नौजवानों, जिनका नंबर कम आया, तुम हिम्मत न हारो। वो क्या कहता है सुनो, उसके मुख्तसर से जुमले ने उसकी फौज के पांव को फौलादी बना दिया, और उसकी फौज के हाथों को ही शमशीर सरार बना दिया, और तीनों को तख्ता बना दिया लोहे का, और सरों को ही फौज बना दिया। मैदान जंग में ऐसा मुकाबला किया कि मुट्ठी भी भर फौज दूसरे के इलाके में अपने से 3 गुना फौज बकारी बढ़ गई। उसने मुख्तसर तकरीर की, क्या कहा? कहा सुनो इस बात को, उसने कहा कि मशहूर होना और कामयाब होना यह हमारी अमानत है, मशहूर होना और कामयाब होना यह हमारी अमानत है, और हमारा जो जिस्म है यह मौत की अमानत है। मौत अपने अमानत को ले, उससे पहले हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी अमानत को हासिल करने की कोशिश करें। यह मुख्तसर सी तकलीफ थी कि उसके लोगों के दिलों में हौसले आ गया। फिर उसने दोबारा कहा सुनो अगर खुदा का खास्ता इसमें हम शिकस्त खा गए तो अगली जंग में फतेह हमारी होगी, अगर अगली जंग में हम शिकस्त खा गए तो उसके बाद वाली जंग में हमारी फतेह होगी, और अगर खुदा का खास्ता हमको फतेह नहीं मिली तो यही क्या कम है कि अल्लाह तबारक व तआला इतनी जंगों और इतनी शिकस्तों के बाद हमें हमारे कदमों पर खड़ा कर देता, हमारे कदमों में खड़ा कर देता है। तो हमारे जिन नौ निहालों के जिन प्यारों के, जिन लखते जिगरों के, जिन्होंने दिन रात एक कर दिया तैयारी करने में, घर से बाहर नहीं निकलते थे, जो लोग इधर उधर नहीं जाते थे, कोचिंग क्लास जाना, घर पे आना, पढ़ाई करना, उनका नंबर कम आ गया, तो हिम्मत न हारो। शार बोलता है कि यकीन की राह पे जो चल पड़े मंजिलों ने उन्हें पनाह दी, यकीन की राह पे जो चल पड़े मंजिलों ने उन्हें पनाह दी, और जो बहक गए और वसवसों ने
عہد گئے اور آگے ایک شہر دوسرا کہہ دے مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، تن دیے بادے مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ کہتا ہے کہ جو ہے کامیابی اگر حاصل کرنی ہے تو گھبراؤ نہیں، کبھی شکست نہیں ہوگی، کبھی فتح نہیں ہوگی، کامیابی تو آئے گی اور آ کر رہے گی انشاءاللہ۔ ناکامی جو ہے عارضی ہے اور کامیابی یہ مستقل چیز ہے، کامیابی یہ مستقل چیز ہے، تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل نہ گھبراؤ۔ میں پھر ایک بار کہہ رہا ہوں کہ علم ایک ایسا سرمایہ ہے جو نسل انسانی کو آتم نربھر بناتا ہے، زمین کے کسی علاقے میں، کسی خطے میں، کسی ملک میں کہیں بھی رہیں گے تو انشاءاللہ عزت کی شان کی روزی ملے گی، اور دین اسلام پر باقی رہتے ہوئے، اپنی نسلوں کو باقی رکھتے ہوئے ترقی کرتے جائیں گے، اور انشاءاللہ وہ علوم نسلوں میں بھی منتقل ہوتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اور ہماری نسلوں کو خود مکتفی ہونے کی سعادت سے نوازے۔ ہمارے